तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ फूल के पौधे लगाने के समय गमले की मिट्टी कैसे तैयार करें। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, वरना कोई इन्फॉर्मेशन मिस होने सकता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले गार्डन सोयल लेना है, फिर उसके साथ ऐड करना है सैंड। सैंड लेना है 1/3 ऑफ गार्डन सोयल, मतलब गार्डन सोयल जितना होगा उसको इक्वली 3 भाग करने से उसका एक भाग जितना होगा उतना सैंड लेना है। और गार्डन सोयल और सैंड दोनों ही सूखा होना चाहिए। गीला हुआ गार्डन सोयल या सैंड यूज़ करना नहीं है, क्योंकि गीला हुआ गार्डन सोयल या सैंड लेने से उसमें पौधे में फंगस लगने का डर रहेगा। दोस्तों, इसीलिए हर टाइम में आपको गमले की मिट्टी तैयार करने का टाइम में आपको सूखा हुआ गार्डन सोयल और सूखा हुआ सैंड लेना है, ये ज़रूरी है। दोस्तों, इसको आप ध्यान रखें। अब हमको लेना है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट लेना पड़ेगा 1/5 ऑफ गार्डन सोयल। इसमें एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि आप यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट की जगह सूखा हुआ गोबर खाद भी यूज़ कर सकते हैं, या सरसों की खली भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सरसों की खली को विंटर में ही यूज़ करना बेटर है। गर्मियों के सीज़न में वर्मी कंपोस्ट या सूखा हुआ गोबर खाद यूज़ करने में ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, ये सब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इसमें से किसी एक को मिट्टी में मिलाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये मिट्टी को भुरभुरा बनाता है और नाइट्रोजन से लेकर हर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहता है, थोड़ा कम या ज़्यादा। ये मिट्टी की क्वालिटी को सुधारता है। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे नीम खली पाउडर 1 चम्मच। इसको ऐड करने से मिट्टी में पेस्ट लगने का खतरा कम जाता है, यानी कीड़े लगने का खतरा कम जाता है। पौधों में नीमाटोज जैसे गंभीर बीमारी लगने का खतरा नहीं रहता है, इसीलिए इसको ऐड करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद हम ऐड करेंगे बोन मील। बोन मील 1/2 टीस्पून पौधे की कैल्शियम की पूर्ति के लिए ज़रूरी है, रूट की डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है बोन मील। बोन मील हड्डियों का चूड़ा कहा जाता है इसको। दोस्तों, नेक्स्ट हम ऐड करेंगे हॉर्न मिल। हॉर्न मिल ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून पौधे की विकास के लिए ज़रूरी फर्टिलाइज़र है ये हॉर्न मिल। इसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए पौधे की पत्तियों की विकास के लिए बहुत ज़रूरी खाद है ये हॉर्न मिल। उसके बाद हम मिलाएंगे लकड़ी की राख, यानी जला हुआ लकड़ी का अवशेष। ये हम 3 टीस्पून देंगे। ये फंगिसाइड की तरह काम करता है और इसमें कई तरह की आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जैसे पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और फॉस्फोरस, जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। नेक्स्ट हम मिलाएंगे जिप्सम। जिप्सम मिट्टी की पीएच लेवल को ठीक करता है। इसको हम 1/2 टीस्पून लेंगे। ये एक कैल्शियम सल्फेट और सल्फर का अच्छा स्रोत है। अब हम ऐड करेंगे सेफ फंगिसाइड पाउडर। जो फंगिसाइड पाउडर है इसको आप 1/2 टीस्पून मिलाएंगे। पौधों के मिट्टी में फंगस होने से पौधा मर भी सकता है, इसलिए
पौधा स्वस्थ रहे, इसलिए फंगिसाइड को ज़रूर ऐड करना चाहिए दोस्तों। अगला हम ऐड करेंगे पोटाश खाद या फिर डीएपी। अगर हम पोटाश खाद यूज़ करेंगे तो डीएपी को एक साथ यूज़ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, इसलिए हम अभी पोटाश खाद को हाफ टी स्पून देंगे, डीएपी को स्किप करेंगे। पोटाश खाद पौधों में फूल लाने में इसका बड़ा रोल होता है और पौधा स्वस्थ तंदुरुस्त रखने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। पोटाश और डीएपी दोनों ही रासायनिक खाद है। तो दोस्तों अब हम मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि हर खाद चारों तरफ से मिल जाए। अब मिट्टी हो गए तैयार, इसमें लगभग हर तरह के पौधे को लगा सकते हैं। सकुलेंट और ऑर्नामेंटल जैसे इंडोर प्लांट को छोड़कर अब मैं एक पॉट लूँगा। मेरा एक गुलाब का पौधा है, इसको हम अभी शिफ्ट करेंगे दूसरे बड़े पॉट में। ये देखिए, इस पॉटिंग मिक्स से गमले का होल कर लिया हमने। अब इसमें कॉटन के कपड़े से होल को ढक देंगे ताकि मिट्टी बाहर ना निकले और पानी आसानी से निकल सके। अब हम गमले में थोड़ा सा निचले हिस्से में मिट्टी डाल देंगे और उसके बाद गुलाब का पौधे को मिट्टी सहित पॉट से निकालेंगे। इसको थोड़ा टेक्निक से निकालना चाहिए और सावधानी से निकालना चाहिए। पौधे की रूट कट ना जाए उसको ध्यान में रखना जरूरी है दोस्तों, नहीं तो पौधा मर भी सकता है। अब इसको नया टॉप में शिफ्ट करेंगे और चारों तरफ मिट्टी भर देंगे, ऊपर थोड़ा सा जगह छोड़कर। अब इसमें पानी देंगे। गमले की मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें पानी ना ठहरे, पानी डालने के तुरंत बाद पानी नीचे चला जाए वैसा। अब इस पॉट को छायेदार जगह में 2 से 3 दिन के लिए रख देंगे, उसके बाद इसको सनलाइट पे रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।